शुभांगी, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है सुपर डुपर स्पेशल, क्योंकि आज मैं फाइनली इस कुचिपुड़ी घर को कंप्लीट करने वाली हूँ। कुचिपुड़ी से मेरा मतलब है डॉल हाउस को कंप्लीट करने वाली हूँ। कुचिपुड़ी ऐसे थोड़ा क्यूट साउंड करता ना, इसलिए मैंने बोला। आप लोगों ने देखा मैंने इस घर को कैसे बिल्ड किया, कैसे पेंट किया, फिर अंदर की नन्नी नन्नी ऐसी छोटी छोटी चीजों को कैसे पेंट किया, एंड द ओवरऑल प्रोसेस वॉज जस्ट अमेजिंग। मुझे इतना ऐसे शांति मिली ना मन में, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था गाइज। एनीवे, इस सपने को आज हम कंप्लीट करेंगे जब इसके अंदर हमारी फैमिली आ जाएगी। आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। अगर हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम सुपर क्ले को यूज करके ही सारी कलाकारी करने वाले हैं, बिकॉज आप लोगों को पता है सुपर क्ले से मुझे ऑब्सेशन हो चुका है गाइस। कमाल की चीज है भाई, इट इज सुपर इजी टू यूज एंड ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो एकदम काम ना फटफट होता है। ऊपर से इस पे पेंट करने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सारे कलर्स में ही आता है। आई लव इट। अब हम फटाफट, सबसे पहले तो हम यार एक डॉल बनाएंगे, बिकॉज डॉल के बिना हमारा डॉल हाउस इनकम्प्लीट है। तो ऑफ कोर्स आई एम अ बिट नर्वस, क्योंकि इससे पहले जो मैंने डॉल बनाई हुई है, अगर आपको याद है यार, वो काफी बड़ी है साइज में एंड उसको हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी था, बट ये वाली बहुत ज्यादा टाइनी बनाने वाली हूँ मैं एंड इट्स गोना बी सुपर टफ, एटलीस्ट ऐसा मुझे अभी लग रहा है। पता नहीं, देखते हैं कैसा बनता है। बाय द वे, ये ब्लैक पार्ट हमारी डॉल का खोपड़ा है, आई मीन सर है। ओके, अब मैं इन दोनों क्लेस को आपस में प्रॉपरली मर्ज कर रही हूँ जिससे कि अलग अलग ना लगे। एंड वंस दैट इज डन, अब फटाफट से यार अपनी डॉल की बॉडी बनाना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट तक नहीं किया प्रोसेस। तो यार बिकॉज ये डॉल है तो मैं डॉल का यहाँ पे फेस बड़ा बनाऊंगी एंड कंपेरेटिवली बॉडी छोटी बनाऊंगी, उससे ना डॉल्स बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। बाय द वे, ये है डॉल की कमर एंड उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर। अब मैं फटाफट डॉल का आउटफिट बना रही हूँ, जो की ऑफकोर्स यार पिंक कलर का बना रही हूँ, क्योंकि डॉल के रूम की थीम भी पिंक है, राइट? तो जल्दी से मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करूंगी एंड द प्रोसेस इज सुपर डुपर इजी गाइस। यहाँ पे मैं एक एक पार्ट को, एक एक एलिमेंट को ब्रेक कर करके आपको दिखा रही हूँ, सो दैट इट्स इजी फॉर यू गाइस टू रिक्रिएट दिस वन। इसको रोली पोली करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। दिस इज ऑल्सो लुकिंग सुपर डुपर क्यूट, आई लव इट लव इट लव इट। बाय द वे, इस डॉल का नाम मैं सोच रही हूँ रख लूं कीशा, बिकॉज ऑफकोर्स यार ये डॉल हाउस मैंने बनाया, मेरे घर का नाम है कीशा, तो इस डॉल का नाम भी कीशा होना चाहिए ना। तो चलो यार अपनी कीशा की बॉडी एंड फ्रॉक कंप्लीट करने के बाद फटाफट इस पे बेल्ट भी बनाते हैं। बेल्ट का प्रोसेस भी सुपर डुपर इजी है एंड वंस दैट इज डन, ईशा के हाथों को भी कंप्लीट करते हैं एंड यस वंस दैट इज डन, यार ये मुझे सही में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। मुझे खुद से ही एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एंड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एनीवे गाइस, ये सब होने के बाद अब मैं सेफ्टी पिन को कट करके अपनी डॉल के गर्दन में घुसाऊंगी एंड सर पे लगाऊंगी। Done. Such a cutie putie pie. Okay guys, so ये होने के बाद अब मैं जल्दी से डॉल में बैंग्स ऐड कर लूंगी। आपको याद है ना मैंने बीच में बैंग्स ऐड करे थे, so I thought यार इस पे कितने क्यूट लगेंगे। So जल्दी से मैं डॉल के बैंग्स बना दूंगी एंड ये होने के बाद अब टाइम आता है अपनी डॉल को लाली लगाने का, आई मीन ब्लश लगाने का गाइज। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल्स एंड ये होने के बाद यार सच में से जान सी आ गई है इस नन्ही सी डॉल में। एंड अब हम करने वाले हैं ढेर सारी डिटेल्स, और आप लोग को पता है मेरी कोई भी वीडियो विदाउट डिटेल्स तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट? सो नाउ आई विल बी यूजिंग एक्रेलिक कलर्स एंड मैं जल्दी से उसे यूज करके यहाँ पे ढेर सारी डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। Finally, हो चुकी है हमारी कीशा रेडी एंड ट्रस्ट मी शी इज लुकिंग सुपर डुपर क्यूटी। एनीवे गाइस, मैंने अपने नेल पेंट चेंज करे क्योंकि पहले वाले नेल्स काफी ज्यादा बकवास लग रहे थे। ओके, सो नाउ इट्स टाइम कि हम कीशा का पेट भी बनाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे एनिमल से कितना ज्यादा प्यार है एंड मेरे पेरेंट्स तो मुझे एनिमल नहीं लेने देंगे, आई मीन डॉग नहीं लेने देंगे, तो
क्या फर्क पड़ता है, हम डॉग बनाएंगे गाइस, एंड ये है मेरा ड्रीम डॉग। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जनरली बता रही हूँ, अगर आप इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो करोगे जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ, आपके लिए भी इसको रिक्रिएट करना सुपर डुपर इजी होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं यार, बस शेप्स बनाओ, उनको आपस में स्टिक करो एंड वी आर डन। एंड मैं प्लान कर रही हूँ मैं इस डॉग का नाम रखू कोको, क्यूटी कोको। एनीवे यार, कोको के मेरे पीछे के दो पैर तो बना लिए हैं, ठीक है, टेल बना दिया है, बॉडी बना दी है, अब मुझे बस हाथ बनाने हैं एंड मुंह बनाना है कोको का। तो जल्दी से मैं दोनों हाथों को भी बना दूंगी एंड यार ये मुझे अभी से ही सुपर डुपर क्यूट लग रहा है। लेट्स सी हम फेस में क्या क्या कर पाते हैं। अब टाइम आ चुका है फाइनली अपने कोको के सर को उसकी बॉडी से अटैच करने का। यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक वुडन स्टिक, आप किसी भी चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड यस, वंस दैट इज डन, दिस इज व्हाट आवर क्यूट लिटिल कोको विल लुक लाइक। ये बहुत ही क्यूटी लग रहा है यार। Let me know in the comment section below, क्या आप भी pet lover हो मेरी तरह की नहीं। Okay guys, so इसी के साथ साथ हमारे डॉल हाउस के दोनों major elements हो चुके हैं complete, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है but काफी हद तक हो चुके हैं complete। मैं dog and doll के अलावा और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि यार ये doll अकेले रहती है dog के साथ खुशी खुशी अपने बड़े से महल में, आई मीन इसके लिए तो महल ही है ना। सो यस गाइज, अब टाइम आ चुका है वार्निश को अप्लाई करने का, जिससे कि हमारी डॉल ना कभी खराब ना हो, वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहे प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी। Yes, once that is done, मैं डॉग पे भी वार्निश का एक कोट लगाऊंगी, जिससे कि हमारा कोको भी हमेशा इतना ही तरोताजा रहे। एंड यस, ये रहा हमारा कोको एंड डॉल, एंड फाइनल पीस कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा यार। इसी के साथ साथ आई जस्ट रियलाइज हमारी फाइनली डॉल हाउस वाली सीरीज कंप्लीट होती है इस वीडियो के साथ। प्लीज मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी एंड क्या आप लोग इंटरेस्टेड होगे इस तरीके की सिमिलर सीरीज देखने के लिए फ्यूचर में। कमेंट करके प्लीज जल्दी से बता दो कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक लेके जाऊंगी इस वीडियो को। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपके पास इस तरीके की वीडियो के थोड़े और सजेशन है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड यस, इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय। Thank you.